बचा है और रोल बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया रोल है। मिलते कल सुबह डायरेक्टली अभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के यहाँ पे। चल गुड मॉर्निंग, डेट है 28 दिसंबर एंड 7:40 हो रहा है। तो आज का प्लान बता दो आगे आगे। अभी उठ के जरा फ्रेश हो जाता हूँ, थोड़ा सा काम कर लेते हैं, एक्सरसाइज सब। नहा के हो चुका है और ये वाला टी शर्ट मैंने डाला है, ये टी शर्ट डाल के जाऊँगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे। और घर का सामान अभी पैक करना है, ये देखो वहाँ पे बैग पड़ा है, थोड़े कपड़े इधर पड़े, यहाँ पे मेरा चार्जिंग का गैजेट्स सब पड़ा है और ये एक्सटेंशन बोर्ड काम आया, मेरे को लगा नहीं काम आएगा, ये मैं लेके आया था साथ में। और ये सब चार्जर है, ये ट्राईपॉड, और तो ये सब लेके अभी पैक करना है मुझे। तो सब पैकिंग करके हो गया अभी मेरा, और बताता हूँ आपको, ये जो बैग है और ये नी गार्ड, ये मैं नीचे रिसेप्शन पे रखूँगा लॉकर में, और एक बैग साथ में लूँगा, ये वाला बैग, इसमें मेरा जो भी नीडी चीज़ें वो रहेगी, और एक पानी का बॉटल आ गया है और ब्रेड बटर ऑर्डर किया था मैंने, और ये चाय का बॉटल 130 रुपीज़ हुआ। और इन लोग जब भी आते हैं ऐसे बिल्स लेके आते हैं और मेरे को जगह पे कैश पे करना पड़ता है, कल शाम की चाय का, कल रात का 210 खाने का और 130 अभी का नाश्ते का, तो ये तीन बिल है। ये सब सामान मैं रिसेप्शन पे रखूँगा और ये जैकेट, और रिटर्न आऊँगा और रिटर्न आके पूरा सामान लेके मुंबई के लिए निकलना है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम गुजरात इन नियर बाय स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो पीछे का होटल चेकआउट हो गया अपना, और तो अपनी एडम, मैंने रात को इसका नामकरण किया है, एडम नाम है अपने डॉमी का। तो चलो बाहर जाते हैं। तो ये रोड पे ऐसे होर्डिंग्स हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के, देख सकते हो आप, क्या बता रहे हैं, ये थोड़ा ब्लर दिख रहा है वीडियो में मगर मुझे क्लियर दिख रहा है, ये देखो। इसका अभी होटल से 1 किलोमीटर दूर है बस स्टॉप, स्टैचू ऑफ यूनिटी का बस स्टॉप, तो वहाँ पे ही जा रहा हूँ। तो भाई मिले रास्ते में चलते चलते, मेरे को स्टैचू ऑफ यूनिटी के बस स्टॉप तक छोड़ेंगे भगवान जैसे आ गए। अंदर अपना खुद का गाड़ी अलाउड नहीं है, तो यहाँ से गाड़ी में बैठो और जाओ। तो ये बस खड़ी है यहाँ पे, जगातली सर्वात मोठी मूर्ती सरदार वल्लभभाई पटेलांची। जाऊया आतमध्ये आणि बघूया असा व्ह्यू आहे, गॅलरी व्ह्यू, गॅलरीची तिकीट घेतली होती। बरं, नर्मदा रिवर के ऊपर बनाया है स्टॅच्यू, स्टॅच्यू ऑफ युनिटी गया था, बोला 12 बजे का टिकट है तो तभी आ जाओ, और अभी जा रहा हूँ जंगल सफारी करने। देखो स्टैचू ऑफ यूनिटी वाला बोला 12 बजे ही स्कैन होगा टिकट आपका, उससे पहले नहीं होगा। तो जंगल सफारी के लिए ये सारी बस लगी है, ऐसा एक मैडम से पूछा मैंने तो उन्होंने बताया। तो पहले जंगल सफारी करके आएंगे, तो पहले जंगल सफारी करके आएंगे उसके बाद जाते हैं गैलरी व्यू के लिए। बोर करके ऐसे लिखा है, मतलब जंगल सफारी, जंगल सफारी। तो ये जंगल सफारी का एंट्रेंस है, यहाँ पे पहुँच गए। तो यहाँ पे सिस्टम ऐसा है कि वो एक बस स्टॉप बना है वहाँ पे आने का, हर एक जगह जाने वाली बस को नंबर दिया है, मीन्स स्टेशन नंबर 4 पे आके खड़े का जंगल सफारी की बस मिलेगी,
वो स्टेशन पे बोर्ड रहता है कि जंगल सफारी के लिए जाना है, तो चलो अंदर जाते हैं। अभी सफारी के अंदर एंट्री मिल गई है मुझे, टिकट मैंने ऑनलाइन ही बुक किया था। और ये है एंट्रेंस, देखते हैं आगे आगे क्या सीन है। और कैमरा वैमरा ऐसा मोबाइल कुछ अलाउड नहीं है, ऐसा कोई मुझे बोला नहीं अभी तक। चल वॉलेट, ये कौन सा वर्ड है, क्लियर नहीं दिखता होगा इसमें, बट बहुत ही सैलेड लेमर, लेमर करके एक प्राणी है। कहाँ पे, इधर इधर बैठा, वाओ सी। हे जो बर्ड्स देखे तो इसके अंदर है, मस्त है। इसका नाम क्या था? जो बर्ड सर्वाइव नहीं कर पाता है उनको पकड़ के रखना चाहिए, ऐसा कोई अच्छा बर्ड हो उसको नहीं पकड़ना चाहिए। मीन्स जो जंगल में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं उसके सर्वाइव करने के। चलो आगे जाते हैं। फिर से टिकट चेक किया है, मतलब टिकट स्कैन किया है और बोले आगे जाओ। मैप है यहाँ पे, कुछ भी हरकतें करने की कोशिश की तो फाइन है यहाँ पे। चलो देखो क्या बैठा है, देखो इज रियल। बता 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 क्या देख रहे हो, खानो दे खानो, अभी को खानो पड़ियो, वो जिंदो वो जिंदा तक बहुत जिंदा नेक्स्ट टाइगर देखने जाएंगे, तो नेक्स्ट है बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर, वेयर इज बंगाल टाइगर? टाइगर को तो मैंने देखा नहीं, अपना राष्ट्रीय प्राणी है टाइगर। बंगाल टाइगर तो नहीं देखने मिला, एक अंकल वहाँ पे जो पीछे बैठे हैं उन्होंने बोला कि ये सब एनिमल्स शाम को बाहर आते 4-5 बजे के बाद। तो फिर एक बार वापस साउंड मारने आऊँगा, बंगाल टाइगर ज़रूर देखेंगे। अभी जाते हैं। तो लायन को पूरा देखने नहीं मिल रहा, तो ये उसका डिटेल्स है, ऐसे एशियाई मेल फीमेल है यहाँ पे। भाई ये कैमरा देखो, ये फीमेल है और ये मेल है। ये तो बंगाल टाइगर आ चुका है, ये चुपके बैठा एकदम। तो मुझे इसको पास से देखना है थोड़ा, नहीं है सेरवल कैट कैट बेटा देखो बेचारे को केज में रखा है इधर। तो जंगल सफारी इसका मतलब ये मत समझो कि गाड़ी में बिठा के आपको पूरा घुमाएंगे, आपको ही घूमना है। और यहाँ पे केजेस है 5-6, वहाँ पे 5-6 नहीं ज़्यादा ही है, वहाँ पे एक एक एनिमल को रखा गया है। और क्या, चलो वहाँ पे ना ऊपर भी ऑस्ट्रिया अफ्रीका ऐसा सब कुछ लिखा है वहाँ के एनिमल्स, देखते अंदर। यहाँ ऑस्ट्रेलिया लिखा है और यहाँ पे अफ्रीका, तो ये एनिमल्स शायद से होंगे वहाँ पे, इसके लिए ऐसा लिखा है, तो देखते हैं अभी। चलो ये तो मुझे पता नहीं था, मैं रिटर्न जाने वाला था यहाँ से। लामा एनिमल है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है शायद से। तो अंकल सुबह सुबह पानी दे रहे हैं झाड़ को, और थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी दे दी हमें, तो थैंक यू सो मच अंकल। मराठी बुक्स में इसका नाम शाम्रुग है, शाम्रुग देख रहे हैं।
मुंडी नीचे करके कैसे चल रहा, बहुत ताकतवर रह गए का लेग्स देखो इनके सब जिराफ है कि नहीं पता नहीं यहाँ पे। तो ऑस्ट्रिच, तो लास्ट आपने ऑस्ट्रिच को देखा अभी, और यहाँ पे स्क्विरल मंकी, तो स्क्विरल टाइप के मंकी है ये, अरे ये छोटा छोटा है। ये देखो एक ऊपर चढ़ रहा है भागने की कोशिश, और ये है गोल्डन हैंडेड टैमरिन मंकी, दिख रहा है, ये देखो दो मंकी है कुछ कर रहे हैं। कॉक्सन टॉप टामारिन क्या क्या ये सब मैंने सुना भी नहीं था पहले, ये देखो वर्ल्ड ऑफ विंग्स। आगे जाते हैं, यहाँ पे बर्ड्स है शायद से, केज है बड़ा, तो वहाँ पे जाके देखते चलो। ओके ओके तो नीचे देखा ही नहीं था मैंने, अलग अलग टाइप के ब्लू एंड गोल्डन मक्कावा पता नहीं कहाँ है मगर देखो यहाँ पे इसका नाम मकाओ, नहीं ये मकाओ तो नहीं लग रहा है, छोटे छोटे लव बर्ड्स लग रहे मेरे को। अरे ये देखो तो ब्लैक स्वान, विंडो के लिए अलग से पूल है भाई, ये तो VIP ट्रीटमेंट है, ऐसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, तो लाइफ में मजा है। तो चलो यहाँ से निकलते अभी, आगे पेट जोन में जाते हैं, मेरे को लग रहा है ये लास्ट है। यहाँ पे पूरे पंछी खुले छोड़े हुए हैं, मतलब ये केज ही है, ये केज के बाहर नहीं जा सकते हम लोग, एक भी अगर थोड़ा सा भी खुल गया ना किधर तो भाग जाएंगे इन लोग। यहाँ से भी स्टैचू ऑफ यूनिटी दिखता है, तो वहाँ से ही बस पकड़ के ये प्लेस पे आए, तो ज़्यादा दूर नहीं है, सब आजू बाजू में ही है, साफ सुथरी। वेस्ट इंडीज का जानवर है ये, अंकल बोल रहे वेस्ट इंडीज का जानवर है, ब्यूटीफुल। जिराफ दिखाया मैं जब यहाँ से आ रहा था, तभी नहीं दिखा था, अभी सब आ गए बाहर, पता नहीं कहाँ से है, मेरे को नहीं दिखे थे, सिर्फ ऑस्ट्रिच दिखा था। चलो देखो, चलो देखो ये ऑस्ट्रिच है, और यहाँ पे जिराफ, सॉरी ज़ेब्रा, ज़ेब्रा एंड जिराफ देखो, वाह तो कार्निवोरस। यहाँ पे हमने देखा टाइगर लायन। चलो निकलते आगे पेट जोन की तरफ, पसीना पसीना हो गया अभी मैं, अभी किधर फ्रेश भी होने नहीं मिलेगा, इसलिए आराम आराम से चलता हूँ। तो स्वागत है पेट जोन में, ये जंगल सफारी सामने और पेट जोन, यहाँ पे टिकट चेक होगा और अंदर जाएंगे अभी। तो अभी मैं 4K 60 फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ, इससे पहले जो आपने देखा होगा 3D था खाली, तो 3D में क्या होता है मैं जूम ज़्यादा कर नहीं सकता, 4K में एकदम मस्त आता है। तो पेट जोन में अभी अंदर मेरे को पेट्स को हाथ लगाने मिलेगा। तो आपने जो जंगल सफारी देखा उसका कुछ 200 rupees है टिकट्स ऑनलाइन, और यहाँ पे भी उतना ही होगा, और सबसे सस्ता इसका है 50 rupees पेट जोन का। तो लाइन से लगता है 6 पेट्स हैं, 6 या तो फिर और होंगे पता नहीं, अभी जाके देखता हूँ, देखो आप वीडियो में, शूट करूँगा मैं।
तो ये अल्पाका एंड लामा ये पेट है, इसका हाइट देखो कितना छोटा है, तो इनको हाथ लगा सकते हैं। वाह मारो नो को मला इनको शायद से गर्म होता होगा, इसके लिए कूलर भी लगा है यहाँ पे। देखो और शिप गोट ना तो ये वो झगड़ा कर रहे कैसे यहाँ पे देखो छोटे छोटे रैबिट्स। वाव भागरा भी नहीं है। नमस्ते। देखो इसको देख के ऐसा ट्रस्ट आ गया अभी दो जन को, तो आ गए इन लोग भी। खुद से आते पास में, ऐसा डरते नहीं है इन लोग। खा रहा है बहुत ज्यादा वाल है इसको। पेट जोन से अभी निकल गया और आप गैलरी व्यू का टिकट बाय कर रहे हो तो वैली ऑफ फ्लावर एंड ये डैम के लिए एंट्री फ्री है, मतलब उसी के साथ आप पैसा भर देते हो। तो ये वैली ऑफ फ्लावर्स का एंट्रेंस, वैली ऑफ फ्लावर्स में आपका स्वागत है। ये अच्छे से प्लांटेशन किया गया है एक एक नए नए फ्लावर्स का, जिसको फ्लावर्स के बारे में जानकारी है उसके लिए बहुत अच्छी जगह है। और अपने को तो कुछ समझ में नहीं आता, सिर्फ खूबसूरत दिख रहा है अपने गुलाब और रोवर कमल एक ही पता है ये। तो यहाँ पे श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू है सामने, बहुत ही बड़ा, पूरा ब्लर दिख रहा है, ऊपर जाके ठंडी लगेगी शायद से, और यहाँ पे थोड़ी सी ठंडी है। आराम से बैठ भी सकते हैं। तो ये नीचे गया था शायद से, मैं यहाँ पे वन विभाग गुजरात राज्य, तो अलग अलग टाइप के बटरफ्लाइज भी हैं, तो ढूंढना पड़ेगा सबको। देखो एक राइड मारा, एक राइड में बट कुछ है, बहुत सारे फ्लावर्स भी है अंदर। तो ओके वैली ऑफ फ्लावर्स, आई एम इन वैली ऑफ फ्लावर्स, ये ऐसा एक होर्डिंग है, यहाँ पे फोटो भी ले सकते हैं। और मैं हेड रुक मैं इधर फोटो लेता हूँ एक होल्ड करा। तो वैली ऑफ फ्लावर्स का एंट्रेंस है ये, तो निकलते हैं यहाँ से आगे जाते हैं डैम की तरफ। तो यूनिटी ग्लो गार्डन पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स है यहाँ पे, तो लाइट शो है यहाँ पे, रात को आएगा तो मज़ा है, बट अपने को अभी निकलना पड़ेगा। चलो मैग्नेट लिया है ये, मीन्स स्टैचू ऑफ यूनिटी का मतलब शोपीस जैसा है, तो ऐसा मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे अपन इतना दूर आते हैं और कुछ भी नहीं लेके जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा, कुछ याद के लिए तो रहना चाहिए। और एक कोई चीज़ लूँगा मैं, आपको बताता हूँ वीडियो में, तो ये एक चीज़ ली है मैंने अभी। चलो आगे जाते हैं, अभी भूख भी लग रही है बहुत मुझे। भुलैया गार्डन में आया था मैं, तो अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, लोगों ने बोला कि अलाउड नहीं है, तो जाते बाहर। गरबा चालू कर दिया है यहाँ पे, व्यू पॉइंट 3 और ऊपर जाते हैं। ये एंट्री से अंदर जाने के बाद आपको सरोवर का मीन्स ये डैम का दर्शन हो जाएगा। वाव क्या सुंदर है रे। Thank you.
डैम देख लिया अभी अपन ने, अभी गैलरी व्यू के लिए जाते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के गैलरी व्यू का टिकट है अपने पास, ऑनलाइन बुकिंग करके रखा है अपने भाई ने, तो चलो जाते हैं अंदर। अंदर नहीं, पहले तो सोच रहा हूँ कुछ खा लूँ। बच्चों लोग के लिए मजा है यहाँ पे, तो ये डिटेल्स है। क्या दिख रहा है ये डायनासोर, और ये सेकंड यहाँ पे है एक, मतलब कैसा बड़ा पुतला बना है। अगर ये अगर नहीं, ये एक्चुअली में एग्जिस्ट करते थे हजारों साल पहले, तो क्या डेंजर सीन होगा ना। बाप रे, इनका भी एक युग था ना। अरे देखो यहाँ पे थर्ड वन, अगर ये जिंदा होता तो मैं एक्चुअली यहाँ से सीधा चले आ रहा था, बट बोला यहाँ जाके आता हूँ, इतना दूर आया हूँ। तो चलो मिलते हैं आगे। अभी व्यू पॉइंट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी व्यू पॉइंट पे जाऊँगा, या तो उसके पहले कुछ खाऊँगा। दो वड़ा पाव और एक अमूल कुल लिया मैंने, दो वड़ा पाव खाएँगे, अमूल कुल खाएँगे और कंटिन्यू करेंगे अभी। जगातली सर्वात मोठी मूर्ती सरदार वल्लभभाई पटेलांची। बड़ी मशक्कत के बाद हम अंदर आ गए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के, और हाँ बड़ी ही मेहनत के बाद। और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जाते देखते इतने सालों की मुराद थी मेरी ये बनने के बाद। मैं सोचा था कि ये राइड करने का, बट एक राइड एक दो दिन में कंप्लीट हो जाती है, बट वो राइड को रेडी करने के लिए कम से कम दो, मतलब एक महीना, मतलब सब सामान जमा करने। तब मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरे पास गोप्रो चार, उसका रिचार्जेबल बैटरी एंड पावर बैंक, ये सब चीज़ें मेरे पास नहीं थी। तो फिर वो सब करते करते जमा करते करते इतना टाइम हो गया, मतलब मैं एक डेढ़ महीने से रेडी कर रहा था सब चीज़ें, तो ये दो दिन की राइड के लिए। तो कोई भी चीज़ मिस मत करो। तो टिकट स्कैन हो गया अभी और अंदर जाएंगे। तो क्या दिख रहा है, बाप रे, मेरे आईज से मेरे को यकीन नहीं हो रहा। तो ऐसा ऑटोमेटिक वॉक है यहाँ पे डायरेक्ट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक जाने के लिए। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ठीक मेरे सामने, यहाँ से एंटर करेंगे। एंट्री है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए, अंदर जाते हैं अभी। एंट्री हो गई है अंदर अपनी, और ओके अंदर फुल एयर कंडीशन है। आने के बाद तो अलग ही माहौल है यार, मजा आ गया। कितना बड़ा मूर्ति, कितना बड़ा, बाप रे इतना बड़ा मूर्ति, बाहर से मेरे को देखनी नहीं है मेरे ऊपर। वर्ल्ड टैलेंट स्टैचू है अपना, भारत स्टैचू में सबसे पहला है ये चीज के लिए। ये देखो ये लाइन, यहाँ से ऊपर जाना,
पे लाइन में खड़ा हूँ अभी, और ये भाई साहब ने हेल्प की है मुझे ये लाइन में लगने के लिए। बहुत ही अच्छा स्टाफ है यहाँ का, और सराउंडिंग तो क्या पूछो ही मत यार। यहाँ पे सब ऐसा मतलब स्टोरीज लगाई है उन्होंने अपने लाइफ में, क्या क्या किया अपने देश के लिए, मतलब जो जो स्पीच दिया है उन्होंने आज तक, वो बहुत टाइम लगा होगा ये बनाने के लिए। तो ये जो आपको होल्स दिख रहे हैं ये, इसमें से ऊपर डायरेक्ट आसमान दिखता है। थोड़ा नज़दीक पहुँचाऊँ, सीधा पहुँचेंगे हम गैलरी पे लिफ्ट के अंदर से। चले वहाँ साइड डोर से अंदर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के गैलरी व्यू पे अभी आ गए। जब आप नीचे जाते हो तो सेकंड और थर्ड बटन के बीच में देखोगे तो जाली जैसा पार्ट नजर आएगा। बाहर का जो मटेरियल है उसमें 85% कॉपर और 55% टिन, जिंक और लीड यूज किया है। लंबे समय तक जंग खराब है, इसलिए पेड़ से लेकर सिर तक 6,500 अलग अलग पार्ट्स लगाए गए। हर एक पार्ट्स को नंबर दिए गए जो आपको येलो टैग में दिखाई देगा। इन फ्यूचर कोई भी पार्ट डैमेज होता है तो खाली अपने उसके नंबर से इजिली रिप्लेस कर सके, इसलिए टैग दिए गए। 1700 मेट्रिक टन ब्रॉन्ज क्लियरिंग करने में आए। बाहर का आवरण जिसे स्टैचू के कपड़े कह सकते हैं, अंदर का जो आवरण है व्हाइट कलर का, स्ट्रक्चर है स्टील है, 6000 मेट्रिक टन यूज हुआ। जो लिफ्ट है उनके द्वारा पैरों में ही चलती है, जो 38 सेकंड में आपको 45 फ्लोर पर लेके आती है पर सेकंड 4 मीटर। इसके ऊपर दूसरा 47 मीटर 150 फीट 15 फ्लोर है, खाली मेंटेनेंस के लिए रखा गया। राइट साइड है सतपुड़ा पर्वत रेंज, लेफ्ट साइड है विध्याचल पर्वत रेंज, दो पर्वत रेंज के बीच में सामने सरदार सरोवर डैम। अभी आपको यहाँ से बाहर का व्यू देख रहे हैं, उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर, पीछे का बैक व्यू, उनके म्यूजियम, उनके पैरों के पास जाना है। तो यही टिकट में आपका इंक्लूड है वैली ऑफ फ्लावर और डैम व्यू पॉइंट। सामने जो नीचे बस पार्किंग है वहां से आपको उसके लिए बस मिलेगी। ओके थैंक यू। अंदर का कंस्ट्रक्शन है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के। पूरा लोखंड का कंस्ट्रक्शन है पूरा पूरा। यहाँ पे बैक साइड व्यू है। फाइनली देख लिया है हमने, अब निकलते नीचे। लेग मतलब उनका जो पैर है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, उनके पैर के व्यू के पास जाते हैं अभी। तो कितने नट लगे रहेंगे ये बनाने के लिए, कितने नट अपना नट का फैक्ट्री लाया रहेगा, देख रहे पूरे। बहुत बहुत मतलब मानना पड़ेगा यार, कारीगर लोग एक तो ऐसा लगता होगा ये बुक्स है, मगर बुक्स नहीं है वो, ऐसे ही
पेंटिंग बोल सकते हो उसको, या तो पिक्चर बोल सकते हो, बुक्स नहीं है वो. Deep down the embers of ambition to take up the cause for the country's freedom simmered. यहाँ पे मूवी बताई जाती है उन्होंने जो स्ट्रगल किया उनके टाइम पर. वल्लभभाई पटेल वेंट टू. यहाँ से बाहर का व्यू दिखता है. तो एक दो घंटा थोड़ा ब्रेक लिया मैंने बैठ के आराम से. अभी ऊपर जाते हैं डायरेक्ट ये सीढ़ी से उनके मतलब पैर तक जाने के लिए अलाउ है, टच कर सकते फीट. दो दो ऐसे सीढ़ियों से ऊपर जाना पड़ता है. बहुत बड़ा. मैंने सोचा था दो सीढ़ी होगा बट तीन सीढ़ी है. तीन फोर्थ सीढ़ी है ये. तो ये स्टैचू के सिर्फ पैर छू सकते हैं हम. और क्या देखो कितना बड़ा है, ऐसा देखना पड़ रहा है. कैमरे में तो ठीक से दिख रहा है बगैर ऐसा देखोगे ना, बाप रे बहुत ज़्यादा. टच करके देखते हैं. तो ये बैक साइड ऑफ द स्टैचू है और देख सकते हो आप ये धोतर है, ये चप्पल है और जैकेट तो ऊपर ही दिख रहा है. और सूरज सनसेट, अच्छा सा सनसेट के साथ हमें ये सीन देखने मिल रहा है. वाह 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 वाह. तो हो गया फोटोज वोटोज लेके, अभी निकलते हैं. तो बटरफ्लाई गार्डन है वहाँ पे, चलो निकलते फिर. अभी थोड़ा लाइट्स तो देखेंगे रुक के. तो अभी खाली कर रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी का ये स्पेस. मैं अभी निकलूँगा, अभी लाइट शो के लिए थोड़ा रुक रहा हूँ. बहुत अट्रैक्टिव है, लाइट शो देख के ही यहाँ से निकलूँगा मैं. बाय बाय बोल देते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी को. बाय बाय स्टैचू ऑफ यूनिटी. मेरा तो पूरा बाल वाल सब बिखर गया है, सुबह से घूम रहा. तो अभी रात का लाइटनिंग शो मैं वो हेलीपैड के यहाँ से शायद से देखूँगा, शायद से. और रात को मुझे पूरा बाइक चला के मुंबई तक जाना है, वो सबसे बड़ा टास्क है. मुंबई जाते हैं, आराम आराम से जाएंगे, लेट पहुँचेंगे सुबह तक. नींद भी ना आएगी तो थोड़ा गाड़ी रुका लूँगा साइड में. और क्या, नए नए डेस्टिनेशन पर जाएंगे, स्टे ट्यून. बाइक से ही जाएंगे, जहाँ बाइक नहीं जाती वहाँ कार लेके जाएंगे, जहाँ कार बाइक दोनों नहीं जाती वहाँ कुछ और लेके जाएंगे, पर जाएंगे ज़रूर. तो चलो अच्छी चीज़ है.
बाप ये चीज आई ना अच्छी। जाने के लिए एक्चुअली मुझे होटल पे जाना है तो बस पकड़ने के लिए लाइन देखो। तो यहाँ पे थोड़ा उजाला था, सोचा ब्लॉक कर लेता हूँ। तो बस ने हम लोग को उसके मेन स्टॉप पे ड्रॉप कर दिया है। अभी मैं होटल की तरफ जा रहा हूँ अपना बैगेज और बाइक लेके सीधा मुंबई के लिए रवाना। लाइट बंद हो गया तो चलो होटल पे ही मिलते हैं लोगों। फाइनली होटल पहुँच गया हूँ अभी मैं और पैकिंग करूँगा, फ़ोन चार्ज कर लूँगा मेरा, बैग वैग सब लेके बाइक पे सेट कर दूँगा और निकल जाऊँगा मुंबई के लिए। तो शायद से गोप्रो से थोड़ा ब्लॉक करूँगा क्योंकि फ़ोन में चार्जिंग नहीं है मेरे बिल्कुल भी। अभी सुबह 4-5 बजे तक घर पे पहुँच जाऊँगा, अभी राइड करना स्टार्ट किया तो अभी डायरेक्ट ख़त्म, ब्लॉग ही ख़त्म, इधर ब्लॉग ही ख़त्म। चलो बाय बाय, टेक केयर। मैंने गैजेट्स वैजेट्स सब चार्ज कर लिया अभी और भाई ने बहुत हेल्प किया मुझे गैजेट्स चार्ज करने में। एक्चुअली मेरा चेकआउट तो पहले ही हो चुका है, चेकआउट सुबह ही हो गया था, तो भी मैं अभी बैगेज सब रखा था लेने आया और बोल चार्ज करने के लिए इन्होंने हेल्प कर दी। तो चलो निकलते। आपका नाम? आयान। थैंक यू सो मच आयान। तो ये होटल का वॉशरूम है, यहाँ से लास्ट वॉक कर रहा हूँ। खाना वाना खा के हो गया, रात के बज गए 9:30 और बहुत ऐसी मज़ा आई, दिन भर घूमा, पैर बहुत दुख रहे और अभी मेरे को बाइक चला के मुंबई जाना है। पहुँच जाऊँगा आराम से घर पे, कुछ टेंशन नहीं है, अपन अच्छे से आराम से ड्राइव करके जाएंगे और खुश रहो, एंजॉय करो। अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया तो लाइक किए बिना जाना मत, क्योंकि थैंक यू सो मच वॉचिंग टिल हियर। एंड नए हो तो सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को सजेस्ट करो मेरा चैनल एंड स्टे ट्यून्ड, आएंगे और नए वीडियोस के साथ, नए नए प्लेसेस के साथ। तो चलो बाय। तो बीच में ये रेलवे क्रॉसिंग आ गया है अभी, इसके लिए रुकना पड़ा। ट्रेन जाएगी उसके बाद हम आगे जाएंगे, नहीं तो तब तक रोड बंद है। 5 मिनट में ट्रेन आ जाएगी, वो अंकल ने उधर खड़े हैं उन्होंने बोला। बहुत ज़्यादा ठंड है।